अरे काहे तुम अपना जूस का धंधा बंद कर दियो, ये क्या बेच रहे हो? अरे भैया दिना भर जूस बिका नहीं रहा था, ठंडी का सीजन है ना, तो हम सोचे अभी क्रिसमस के लिए प्लम बेचें। क्या बेच रहे हो बे? प्लम प्लम के का अंदर जाता है जितना। अरे चुप रहो, और ये सामान वाला जो बेकरी वाला है यहाँ क्या हो रहा है भाई? तो क्रिसमस मनाने के लिए एकदम लाइटिंग फाइटिंग लगाया ननी। भैया वो बुढ़ा जो हम बाहर बिठाया है वो मतलब कौवा भगाने के लिए है। अरे चुप रहो तुम लोग फालतू में, वो सेंटा है भैया। सेंटा क्या रानी? सेंटा अरे रचिया को आके बच्चे लोगों को चूतिया बनाते हैं कि गिफ्ट देगा, कुछ देता होता नहीं है। ये अट्रैक्शन है, पीआर है ये। केकरा पीआर है? अरे इंग्लिश वाला पीआर, पब्लिक रिलेशन के लिए। भैया आप कैसे जानो तनी सेंटा के बारे में इतना? सब जानते हैं हम। तो हमको बताओ तनी ना क्या कहानी बा। तो फिर ठीक है, कान खोल लो, लंगोट बांध लो, जरा डिसिप्लिन में सुनो। ये जो आगे में जाके नहीं फन रिपब्लिक पढ़ता है, हम वहीं बाहर में बाकड़े पे बैठ के डोसा उसा खा रहे थे कि अचानक सामानवा देखे तो ये सेंटवा वहीं बैठा हुआ था। तो जैसे ही नजदीक गए तो रो रहा था, अरे काय मनु काय झाला, काय मनु काय झाला। अरे भैया सेंटा मराठी बोलत नहीं? अरे मराठी मतलब का, वो मरा महाराष्ट्र है, उसका नाम है संतोष क्लास लेकर। वो तो ज़्यादा थोड़ा ऐसे हिप नाम साउंड करे, इसके लिए उसने सेंटा क्लास कर लिया है। तो आगे सुनो यार। हाँ भैया सुना होता नहीं। तो हम बोले क्या हुआ भैया, कहाँ है अपनी जिंदगी कोस रहे हो? तो हमको बोलने लगा, अरे आई झवली एकदम जिंदगी से वैताग गया हूँ, मस्त पैकी घूमता था, अब तो एकदम लागले माजे गोटे जाम हो गया है। हम बोले काहे तुम्हारा गोटे जाम हुआ है? तो हमको बोलने लगा, अरे हमको सब बच्चा लोगों को गिफ्ट उफ्ट देने जाना है, छुट्टा है ही नहीं, 2000 का कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो हम बोले पक साला पक, इतना बड़ा आदमी हो गया, बूढ़ा गया है, दाढ़ी ओढ़ी सफ़ेद हो गया है, तुमको पता नहीं है पूरा डीमोनिटाइजेशन हो गया है, अभी ये सब चूतियागिरी नहीं चलेगा। तो बोले हमको क्या पता था, हम तो पिछले साल आए थे 1500 चल रहा था, अब हम क्या करेंगे, सारे मुलगे लोग अब बैठ के हमको गरियाएंगे, आई झवली हो जाएगा। तो हम बोले चलो कोई नहीं, ये लो 20 रुपया पकड़ो, तुमको जहाँ जाना है ऑटो वाले को हमारा नाम बोल देना, सब ऑटो वाले भैया होते हैं, दिल के साफ होते हैं, पहुँचा देंगे। तभी हमको ध्यान में आया ये तो किसी चीज़ पर बैठ के आता था, तो कहें रिक्शे से जाएगा। हम बोले कहाँ है तुम्हारी सवारी, क्या बोलते हो उसको? तो बोला रंडी। हम बोले क्या रंडी? रंडी हम बोले कनवा के नीचे बजा देंगे, सब फालतू बात करोगे। तो बोला कि अरे हम बोल रहे हैं जिस पे हम बैठ के आते हैं उसे रंडीर कहते हैं, रंडीर। हम बोले रंडीर कपूर? वो बोला रंडीर कपूर नहीं, जानवर का नाम होता है रंडीर, और उसके ऊपर बैठ के रे चाबुक निकाले, ठगा लागली कड़ा, पानी थेम थेम तबड़क 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 तबड़क, पानी थेम थेम तबड़क तबड़क। हम बोले तुम्हारा थेम थेम करके बहुत ज्यादा पानी निकल रहा है, जरा कंट्रोल में रखो पानी, इतना तुम्हारा उम्र हो गया, काहे इतना अपना घुटना पकड़ गया, आज भी तुम सारे बच्चों को इतना पैशनेटली गिफ्ट देते हो। तो बोलने लगा देखो जैक बच्चों से हमको इतना प्यार। बोले चुप हो जाओ, ज्यादा चूतिया मत बनाओ, हमको सब पता है तुम किसी को कोई गिफ्ट नहीं देते हो, सब मोजे में रखते हैं अपना भी, माँ बाप पढ़ते हैं अगले दिन खरीद के दे देते, तुम कुछ नहीं करते हो, फालतू में पीआर बढ़ा रहे हो। और उसके बाद बोलने लगा, अरे आई झौली में मस्करी करते है, मस्करी करते रहो, भैया लोग क्रिएटिव होते हैं, वो अपना देख लेंगे। तो ये था हमारे कहानी का निष्कर्ष, एंड लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। भैया बस इतना बोला था नी? नहीं नहीं जाते जाते बोला हमको मेरी क्रिसमस। तो मेरा नाम है संतोष क्लास लेकर, बोले शॉर्ट फॉर्म में सेंटा क्लास। अगर आप चाहते मैं आपके घर पे आऊँ, आपको अलग अलग टाइप के गिफ्ट प्रकार की दू, फराइल दू, अनमिसाइल दू, तो आप इधर लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ये करने से आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। आई झोली मलापन निगाह से चला मेरी क्रिसमस।